सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि सर ने बताया कि एक पारिवारिक फिल्म है और मैं इसमें मेल लीड में हूँ राघव जी के साथ, और हीरोइन का रोल है। इसके पहले मैंने गर्दा, बहुरानी, लुटेरे, रंगीला ऐसी तमाम 59 फिल्मों में काम किया है। ये मेरी 60 फिल्म है। भोजपुरी के अलावा मैंने कन्नड़, तमिल, मलयालम सभी फिल्मों में स्पेशल सॉन्ग्स किए हैं, लेकिन भोजपुरी में मैंने मोस्टली फिल्मों में एक्टिंग और स्पेशल सॉन्ग्स किए हैं। नहीं, ये मेरी दूसरी फिल्म है। जस्ट अभी मैं पारू कम्प्लीट करके गई हूँ 15 दिन पहले। फिल्म के जो प्रोड्यूसर सामने वाले फिल्म के, मैंने उनसे ये कहा कि पहले ये पूछ लीजिए पूनम जी काम करने के लिए एग्री होंगी या नहीं होंगी, कि अब चूँकि मैं मेरी 5वीं फिल्म है, उनकी 50-60 फिल्में ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो फिर वो मैंने पूछा कि भाई पहले आप ये देख लीजिए कि वो मेरे साथ काम करेंगे नहीं क्या, अगर वो कंफर्टेबल है तो नो इशू, आई एम ऑलवेज कम्फर्टेबल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रमेश मेरा किरदार बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा किरदार है। मैं जो हमारे फिल्म के जो बड़े भाई होते हैं, मैं छोटा भाई होता हूँ, जो एक होता है ना कि ठाकुर खानदान है तो मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात होती है, तो मैं जो मेरा किरदार है एक साफ सुथरा किरदार है, उसमें कहीं भी कोई भी गंदगी वंदगी नहीं है। और जिस तरीके से पूरी कहानी का अभी रिवील कर दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, तो वेट एंड वॉच, अभी वेट करिए। या मैं अपने हर फिल्म को लेकर एक्साइट होता हूँ, मुझे लगता है मेरी हर फिल्म पहली फिल्म है। मैं अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता हूँ, बाकी ऊपर वाला, बाकी जो हमारे ऑडियंस सब कितना प्यार करती है तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मेरी 3 फिल्म लाइनअप हैं, अभी एक का नाम तो कंफर्म है बट अभी एक का नाम कंफर्म नहीं हुआ है, दो का नाम कंफर्म नहीं हुआ है, तो बाकी सब चल जो पाइपलाइन में चल रही है। कोरोना की वजह से काफ़ी इशू हुआ, लेकिन अभी तो धीरे धीरे मतलब ग्राफ अच्छा हो गया। कोई नहीं, एक्चुअली खास वजह नहीं है, ये मेरा दुर्भाग्य कहिए या मेरा सौभाग्य कहिए कि मुझे, मैं यहीं पर यहीं पैदा हुआ, यहीं पढ़ा पला बढ़ा, तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एक्चुअल में लोकल की हो जाते हैं, तो फिर उनको लगता है कि या लोकल में करने में वहाँ उनकी पैठ अच्छी है, शूटिंग में करने में जैसे बहुत दिक्कतें आती है ना, भाई कोई एक्टर शूट कर रही है तो कहीं वहाँ गैदरिंग हो जाए या हुटिंग हो जाए, तो उनको लगता है कि मैं लोकल का हूँ तो फिर यहाँ पे अपनी पकड़ अच्छी है तो कोई हुटिंग नहीं होगी, शांति के साथ शूटिंग ये निकल जाएगी, अच्छे से काम हो जाएगा, बस और कोई वजह नहीं। होटल वाकई बहुत अच्छा है और यहाँ के रूम बहुत अच्छे हैं, सर्विस बहुत अच्छी है, और जब सब प्लानिंग हो गया तो मुझसे पूछा गया कि सर होटल कौन सा किया जाए, तो मैंने पहला नाम यही किया सोनी होटल, क्योंकि एक आर्टिस्ट आता है वो आप मतलब किस वे में आप कितना उसको दे रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उसको कितना रेस्पेक्ट दे रहे हो, रेस्पेक्ट बोले तो आप स्टे कहाँ करवा रहे हो, आप उसको मतलब खाने में क्या दे रहे हो, पीने में क्या दे रहे हो, एक होता है ना हर एक आदमी की एक लेवल होता है, तो उसके लेवल यहाँ पे है, इस रूम है, यहाँ पर रूम सारे हैं। मैंने ऑलरेडी कहा था कि भाई अगर आप मेरी राय मानेंगे तो आप सोनी होटल में आप सारा वो कराइएगा अरेंजमेंट, उन्होंने कराया। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ और अभी भी यही बोलूँगा, आगे भी बोलता रहूँगा, बस अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बनाइए जिस तरीके से आपने सबके ऊपर बनाया, और सदा क्या बोलूँ, मेरे काम को पसंद करिए।